हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल लॉजिकल एडवाइस में। मैं हूँ सुमित और आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों किस प्रकार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पे अपने जो मंथली अवेलेबल बैलेंस के जो चार्जेस थे वो यहाँ पे कुछ मॉडिफाई किए दोस्तों। आज है तारीख 7 जनवरी 2019 और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने जो चार्जेस है वहाँ पे कुछ कम कर दिए दोस्तों। जो पहले हमको ज़्यादा चार्जेस देने पड़ते थे, जो अगर हम यहाँ पे अपना जो मंथली अवेलेबल बैलेंस है वो मेंटेन नहीं कर पाते थे तो यहाँ पे वो चार्जेस यहाँ पे कुछ मॉडिफाई कर दिए गए। तो मैं आपको सभी ऑफर स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा किस प्रकार ये ऑफर्स मतलब किस प्रकार ये चार्जेस कम हुए। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो हम जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे मेट्रो सिटी में अगर आपकी ब्रांच है तो आपको यहाँ पे 3000 रुपये का बैलेंस रखना पड़ता था। अर्बन एरिया में अगर आपकी ब्रांच है तो भी आपको 3000 रुपये का बैलेंस रखना था। अगर आपके ब्रांच सेमी अर्बन एरिया में है तो यहाँ पे आपको नियर अबाउट 2000 रुपीज़ बैलेंस यहाँ पे रखना पड़ता था। और यहाँ पे अगर आप ब्रांच रूरल एरिया में तो आपको 1000 रुपीज़ बैलेंस रखना था। तो ये तो हम पहले से जानते हैं, और ये जानते नहीं होंगे तो मैंने अभी आपको बता दिया। सो अभी हम देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार ये जो चार्जेस है वो मॉडिफाई कर दिए गए। सो देख सकते हैं यहाँ पे स्टेट SBI मिनिमम रूल्स पेनल्टी चार्जेस फॉर इनसफिशियंट बैलेंस। तो यहाँ पे 7 तारीख को यहाँ पे कुछ चार्जेस यहाँ पे मॉडिफाई हुए। सो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, तो इन्होंने 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिए, सेमी अर्बन एरिया के लिए अलग, मेट्रो एरिया के लिए अर्बन एरिया के लिए अलग, और यहाँ पे रूरल एरिया के लिए अलग। सो यहाँ पे 3 यहाँ पे इसमें उन्होंने यहाँ पे मॉडिफाई कर दी गई। सो अगर आपकी ब्रांच यहाँ पे मेट्रो एरिया में आती है यहाँ पे, और आप अगर यहाँ पे 3000 रुपीज़ रखने में अगर आप नहीं रख पाते, सो मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे आपको मिनिमम 3000 रुपीज़ तो रखना ही है, नहीं तो आपको यहाँ पे चार्ज लग जाएगा। तो मैं बताता हूँ बैंकिंग मेजर। सो यहाँ पे अगर 10 रुपये से ज़्यादा, 10 रुपये से 15 रुपये तक यहाँ पे हमको यहाँ पे चार्ज यहाँ पर लगेगा, प्लस GST उसके ऊपर लगेगा, जो 18% हमारे GST आता है वो। सो मैं बता देता हूँ किस प्रकार है। अगर आप 50% से ज़्यादा यहाँ पे 50% मतलब 1500 से 3000 के अंदर अगर आप बैलेंस रखते हो तो आपको 10 रुपये प्लस GST यहाँ पे देना पड़ जाएगा। अगर आप यहाँ पे 50 से 75% के बीच में यहाँ पे रखते हो, मतलब कम बैलेंस रखते हो, सो मैं बता देता हूँ किस प्रकार का। आप 1500 से यहाँ पे 700 या 750 रुपये तक अगर आप बैलेंस यहाँ पे रखते हो तो आपको यहाँ पे 12 प्लस GST रुपये यहाँ पे देना पड़ जाएगा। अगर आप यहाँ पे 75 रुपीज़ से कम यहाँ पे बैलेंस, मतलब 75% से यहाँ पे कम अगर बैलेंस रखते हो तो आपको 15 प्लस GST देना। 75% से कम मतलब 750 से भी कम यहाँ पे अगर आप बैलेंस रखते हो तो आपको यहाँ पे 15 रुपये प्लस GST यहाँ पे चार्ज देना पड़ेगा। ये हो गया आपको हमारा मेट्रो और अर्बन एरिया के लिए। और अगर आप यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे सेमी अर्बन एरिया की, तो हमको यहाँ पे अगर आप 50% से कम यहाँ पे आपको 2000 रुपये बैलेंस यहाँ पे रखना जरूरी है। अगर आप 2000 रुपये रखने में नाकाम हो जाते हो तो आपको यहाँ पे 50% से मतलब 1000 रुपये से ज़्यादा और 2000 रुपये से कम यहाँ पे अगर आप बैलेंस रखते हो तो आपको यहाँ पे 7.50 रुपये प्लस GST यहाँ पे देना पड़ जाएगा। अगर आप 50 से 75% के अंदर अगर आप रखते हो, मतलब यहाँ पे मैं बता देता हूँ 50 से 75% मतलब यहाँ पे 500 से 1000 के बीच में अगर आप 1000 से भी कम यहाँ पे बैलेंस रखते हो और 500 से ज़्यादा रखते हो तो आपको यहाँ पे 10 रुपये प्लस GST देना पड़ जाएगा। और अगर आप यहाँ पे 75% से भी कम मतलब 500 रुपये से कम भी बैलेंस रखते हो सेमी अर्बन एरिया में तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 12 रुपीज़ प्लस GST का चार्ज देना पड़ जाएगा। सो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट हमारा जो कैटेगरी उसके अंदर, तो यहाँ पर रूरल एरिया के अंदर हमको यहाँ पे 100 रुपीज़ का बैलेंस रखना नेसेसरी कर दिया बैंक ने। सो उसके चार्जेस जो मॉडिफाई हुए यहाँ पे 5 से 10 रुपीज़ प्लस GST हमको देना पड़ेगा। सो अगर आपका बैलेंस शॉर्टफॉल होता है 50% से ज़्यादा अगर आप बैलेंस रखते हो, मतलब यहाँ पे 500 रुपये से ज़्यादा अगर आप बैलेंस रखते हो तो आपको यहाँ पे 5 रुपये प्लस GST का चार्ज देना पड़ जाएगा। अगर आप यहाँ पे 50 से 75% मतलब यहाँ पे 250 से 500 के बीच में अगर कोई बैलेंस आप रखते हो तो आपको यहाँ पे 7.50 रुपये प्लस GST का चार्ज देना पड़ जाएगा। अगर आप यहाँ पे 75% से भी कम यहाँ पे बैलेंस रखते हो, मतलब 250 रुपये से कम भी अगर आप मतलब 0 से 250 रुपये अगर आप बैलेंस रखते हो तो आपको 10 रुपये प्लस GST देना पड़ जाएगा। सो देख सकते हैं इस प्रकार कुछ ये रूल है। और यहाँ पे जो हम लोग जानते हैं दोस्तों, इस बैंक में ऐसे बहुत सारे अकाउंट है जिसमें यहाँ पे 0 बैलेंस का यहाँ पे स्कीम एप्लीकेबल है। सो यहाँ पे आपको इन बैंक अकाउंट में कोई भी प्रकार का बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है, उनके रूल चेंज नहीं किए बैंक ने जो आते प्रधानमंत्री जनधन योजना के बीच में। और यहाँ पे कुछ अकाउंट से पहला कदम और पहली उड़ान अकाउंट सम ऑफ 0 बैलेंस अकाउंट जो है उनमें हमको यहाँ पे कोई भी प्रकार के बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार कुछ यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे जो अपने पेनल्टी चार्जेस है वो मॉडिफाई किए, मतलब यहाँ पे कमी की है, क्योंकि हमको पहले बहुत ज़्यादा चार्जेस देने पड़ते थे, 40 रुपये से 50-60 रुपये तक की इसकी जो लिमिट थी। सो ये अच्छा बहुत बड़ा कदम यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रखा है दोस्तों, क्योंकि ये पब्लिक सेक्टर बैंक है और इस बैंक में इतनी चार्जेस मतलब सामान्य जनता के लिए यहाँ पे अफोर्डेबल नहीं थे, तो इन्होंने अभी मॉडिफाई कर दिए गए, तो बहुत अच्छी बात है। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ऐसे नए नए अपडेट्स लाते रहता हूँ दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।